महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चले गए। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में भिड़ के बताएंगे। कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। इसके साथ में अजीत पवार को फिर से शरद पवार ने दिया है तगड़ा झटका, बताएंगे। गरमच के आंसू बहा रहे हैं अजीत पवार को, शरद पवार ने नौकरी करके करारा जवाब दिया है दोस्तों। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने चुनाव में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ में आपको बताएंगे चुनाव के अंतिम दिन कितनी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाई है महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता के नामांकन में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। एक एक करके चलेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पर्पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र परिवर्तन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में लिख कर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी ने बोरीवली सीट से संजय उपाध्याय को मैदान में उतारकर पार्टी में फूट के रास्ते को बड़ा कर दिया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दो बार उतर मुंबई से सांसद गोपाल शेट्टी ने पार्टी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरने का फैसला ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर संजय उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यहां से चुनाव लड़वाया गया था, तब भी गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया गया था। फिर उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अगर पीयूष गोयल यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद अब विधानसभा के चुनाव हो रहे तो उनको विधानसभा के अंदर भी टिकट नहीं दिया गया। गोपाल शेट्टी का टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी व्यक्ति संजय उपाध्याय को टिकट दे दिया। इसके बाद पीयूष गोयल नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे थे अपने कैंडिडेट संजय उपाध्याय का। इस दौरान गोपाल शेट्टी के समर्थकों ने जोरदार तरीके से आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी करना शुरू कर दिया दोस्तों। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करने लगे पीयूष गोयल, लेकिन दोनों नहीं माने। जबरदस्त तरीके का विवाद देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प देखने को मिली। जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ने से रोका गया है दोस्तों, लेकिन नारेबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने मन की चला रहे थे और गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर संजय उपाध्याय को मैदान में उतार रहे थे। लेकिन दो बार के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करवाया और नामांकन के रैली के दौरान ही बताया है कि उनके समर्थक बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और अब गोपाल शेट्टी की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया गया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में शरद पवार को लेकर अजीत पवार इतनी बुरी तरीके से डर गए हैं दोस्तों। उनको पता है कि शरद पवार 50 साल से वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति करते आ रहे हैं। उनको पता है कि पूरे सुगर बेल्ट में यानी गन्ने के बेल्ट में किस तरीके की राजनीति होती है और अजीत पवार इसी क्षेत्र के अंदर 70 की 70 सीटों पर अपना दबदबा करने के लिए शरद पवार से अलग हो गए थे। उनको लगा कि शरद पवार से अलग हो जाएंगे और अपनी नई पार्टी शरद पवार नहीं बनाएंगे और अजीत पवार एनसीपी तोड़ देंगे और शरद पवार घर में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शरद पवार ने अपनी नई पार्टी बनाई, नया पार्टी का सिंबल इकट्ठा किया, लोकसभा चुनाव में लड़े और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार को तगड़ा झटका दिया गया दोस्तों। अजीत पवार ने सबसे पहले बारामती की लोकसभा सीट से अपनी बहन के सामने उम्मीदवार उतार दिया था यानी सुप्रिया सुले के सामने मैदान में उम्मीदवार उतार दिया था। हालांकि सुप्रिया सुले बार बार कह रही थी कि परिवार में फूट नहीं डालना चाहिए था अजीत पवार को, अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को यहां से मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। इसके बाद सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई, सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई क्योंकि उनको पूरा समर्थन शरद पवार ने दे रखा था। इसके बाद अजीत पवार अलग से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने शरद पवार ने एक अपनी राजनीतिक चाल चली है दोस्तों। उन्होंने एक नई रणनीति के तहत परिवार के ही व्यक्ति युवेंद्र को मैदान में उतार दिया है यानी अजीत पवार के भतीजे चुनावी मैदान में उतरे दोस्तों। इसके बाद शरद पवार के द्वारा उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने नॉमिनेशन के दिन रोते हुए भावुक होते हुए ये बोलने की कोशिश की कि शरद पवार उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, शरद पवार ने पार्टी को तोड़ने का काम किया है। आपको बता दें कि अजीत पवार के इन आरोपों पर अब शरद पवार ने भी करारा जवाब दिया है, उन्होंने नकल उतारी है दोस्तों अजीत पवार की और अजीत पवार की तरह ही अपना चश्मा हटाकर रुमाल से आंखों को पोंछते हुए भावुक होते हुए शरद पवार की नकल उतारी है दोस्तों। यानी लोगों को उन्होंने साफ मैसेज भेज दिया है कि अजीत पवार लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरीके के भावनात्मक बयान दे रहे हैं और आंसू पोंछकर कह रहे हैं कि परिवार टूट रहा है, लेकिन उनको ये पहले विचार करना चाहिए था जब उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतार दिया था। सुप्रिया सुले ने आज तक अजीत पवार के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं बोला, इसके बावजूद अजीत पवार ने ये कदम उठाया था। शरद पवार आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति में कभी अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कुछ भी नहीं दिया, हमेशा शरद पवार अजीत पवार को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अजीत पवार ने बदले में क्या दिया, उल्टा सुप्रिया सुले के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया, शरद पवार के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगे और उन्हीं को खत्म करने के लिए राजनीति समाप्त करने के लिए मैदान में आ गए थे। अब जब करारा जवाब मिल रहा है दोस्तों तो अजीत पवार भावुक होकर आंसू पोंछ रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आंसू पोंछना इस तरीके के नाटक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को पता है कि वो केवल नाटक कर रहे हैं और जिनके साथ उनका गठबंधन है सबको पता है कि बड़े नाटकबाज है। साथ साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी एसपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, यानी कुछ एक सीटें जहां पर इंडिया अलायंस के द्वारा दोस्तों फ्रेंडली फाइट की जा रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नरेंद्र मोदी को 6 राउंड में शिकस्त देने वाले अजय राय ने कहा कि इनका अहंकार हम लोगों ने वाराणसी के अंदर तोड़ा था, आने वाले दिनों के अंदर को चुनाव हराकर भेजेंगे वाराणसी में। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजय राय को 6 राउंडों में जीत मिल रही थी दोस्तों, लेकिन बाद में वो पिछड़ गए तो नरेंद्र मोदी को मात्र 1.5 लाख के आसपास के अंतर से चुनाव में जीत मिला था और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता ने हुंकार भरते हुए अजय राय ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वो जरूर हराकर भेजेंगे नरेंद्र मोदी को वाराणसी से। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर चुनावी माहौल अपने सवाब पर है, सियासी चेहरों की तरफ से बयानबाजी जारी है। इस बीच एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने कहा है कि एक वक्त था जब औद्योगीकरण की वजह से कई कंपनियां पुणे के दक्षिण की ओर आ गई, एयरबस को लेकर रतन टाटा ने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि
हम विमान विदेश से क्यों लेकर आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम नागपुर में इस तरीके का एक फैसिलिटी तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या कुछ किया जाएगा, इस पर चर्चा करते हुए उनकी ओर से ये सारी टिप्पणियां की गई है। उन्होंने अपने भतीजे को भी चुनाव में चेतावनी दे दी है। इसी के साथ में माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन राज ठाकरे को लग रहा था कि उनके बेटे का क्योंकि चुनावी डेब्यू है तो उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से कुछ समर्थन मिल जाएगा तो उनका बेटा चुनाव जीत कर आ जाएगा, वरना लॉन्चिंग फेल हो जाएगी। और अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि माहिम विधानसभा सीट से राज ठाकरे के बेटे के हार लगभग तय दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे से कहा गया था कि आप लोग अपना उम्मीदवार यहां पर मैदान में मत उतारिए, एमएनएस आपको अन्य सीटों पर समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने खुद के उम्मीदवार को यहां पर मैदान में उतार दिया है। दोस्तों एमएनएस अमित ठाकरे के साथ मैदान में है तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने यहां से अपने वर्तमान विधायक सदा सर्वाकर को मैदान में उतारा है, यानी वर्तमान विधायक है तो उनका अच्छा खासा वोट होगा, अमित ठाकरे का भी कुछ वोट होगा एमएनएस के नाम पर। और बाकी इंडिया गठबंधन की ओर से उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रखा है, तो दिलचस्प मुकाबला होगा। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एमएनएस के नेता राज ठाकरे का सपना पूरा नहीं होगा, उनका बेटा बुरी तरीके से चुनाव हारने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है, लिखकर जताएं। शासक कोल्हापुर में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के नामांकन की तस्वीर देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि कोल्हापुर में जिस तरीके की सभा का आयोजन कांग्रेस पार्टी के नेता ने नामांकन के दौरान किया था, इसमें कई हजार लोग मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं, पूरा फील्ड भरा हुआ है दोस्तों, यहां तक कि रोड भी पूरा ब्लॉक हो रखा है, इतने लोग मैदान में आए हुए हैं। कम से कम 30-40 हजार लोग आए होंगे, जो नॉमिनेशन के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या कही जा सकती है। आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। इसके साथ में चुनाव से पहले बीजेपी को उस वक्त झटका लगा जब एमएनएस में शामिल हो गई तृप्ति सावंत, जिशान सिद्दीकी के खिलाफ उनको मैदान में उतारा जा सकता है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी से पूर्व विधायक तृप्ति सावंत ने पार्टी का दामन छोड़कर राज ठाकरे की एमएनएस ज्वाइन की और एमएनएस ने उनको उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। तो अब एनसीपी पार्टी के नेता जिशान सिद्दीकी मुश्किलों में फंस गए हैं, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट का बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ में अलायंस है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एमएनएस में चला गया है तो ज्यादातर जो वोट होंगे मराठी वोट वो डिवाइड होंगे दोस्तों। और इसके बाद मजबूत उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के कारण स्थिति काफी ज्यादा बदल सकती है। जिशान सिद्दीकी के लिए तृप्ति सावंत दिवंगत प्रकाश सावंत की पत्नी है, जो दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते थे। बीएमसी में 3 बार पार्षद रहे सावंत ने 2009 और 2014 में बांद्रा ईस्ट से महाराष्ट्र विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि 2015 में उनके निधन के बाद तृप्ति को उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया था। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि उपचुनाव में उन्होंने सीनियर नेता नारायण राणे को भी चुनाव में हरा दिया था, तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़े नेता होने की निशानी है दोस्तों। कम से कम उनको मैनेजमेंट पता होगा चुनाव का, अगर एमएनएस ने उनको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा तो इसका सीधा मतलब जिशान सिद्दीकी और मुश्किलों में फंसने वाले हैं, ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट जो है वो महाराष्ट्र से ही है, जहां पर टिकट कटने से लापता हो गए पालघर के विधायक बोले, शिंदे का साथ देकर मैंने गलती कर दी थी, उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर शिंदे के साथ में आ गए थे, उनको इस बात का खेद हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कई सारे जो विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए थे उन सबको गलती का एहसास होने लगा है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर, जैसा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।